डियर स्टूडेंट, टुडे वी सॉल्व रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2E फ्रॉम 22 to 30। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें 9 को प्लस कर देंगे। फर्स्ट फाइंड दैट एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 नाउ डिवाइडेड बाय 5। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, एक बार में दो नंबर्स नहीं डिवाइड होंगे, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, जो डिवाइजर्स हैं वो और जो अनडिवाइडेड नंबर्स हैं और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ लिखा द लिस्ट नंबर, तो द लिस्ट नंबर इज जो एलसीएम प्लस 9। टू टू ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 125 ज़ा 600। द लिस्ट नंबर इज 609 विच इज डिवाइडेड बाई 2540 एंड 60 लिप्स रिमाइंडर 9। नेक्स्ट इज फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दैट। पांच अंकों वाला सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 140। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और उस एलसीएम से 10,000 में डिवाइड करेंगे। 28 या 16, 29 या, इस तरीके से आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करिए। अब ये डिवाइड नहीं हुआ तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3 और ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो द एलसीएम इज 720। लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 720। 0, 10 माइनस 2, 8 दैट इज 2। That is 21 and when subtract 10 minus 6, 4, that is 7, 7 minus 1, 640. 640 is remainder. Then divisible number is 720 multiplied by 13 and that is 9360 and which is 4 digit, 5 digit, least 5 digit. Here list 5 digits numbers is equal to plus 720, तो ये हमारा नंबर होगा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई that number. So first we find the LCM of that number and the greatest 5 digit number is that. 26 are 12, again divided by 2, now divided by 3. 3 3 is a 9, 1 5. 3 3 is a 9, 3 2 is a 6, again divided by 3. So then LCM is 2 into 2 into 3 into 3 and the rest numbers 5 into 2.
टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, फाइव जा सिक्सटी, थ्री जा वन एट्टी, टू जा थ्री सिक्सटी, थ्री सिक्सटी इज एलसीएम। नाउ डिवाइडेड इन दिस नंबर बाय 360, टू टाइम्स 720 सब्ट्रैक्टिंग 9, 72 टेकिंग वन टाइम 9, 8 टाइम विच इज ग्रेटर देन, नाउ टेकिंग 7 टाइम्स, 70 जा 0 सब्ट्रैक्टिंग 9, 7 2, दैट इज 9, अगेन 7 टाइम्स 2520, that is 279 is the remainder. The required number is 360 multiplied by 277, and which is the greatest number of 5 digits. यहाँ फिर दोबारा से 360 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ greatest है और अब पिछले वाले क्वेश्चन में लिस्ट नंबर था, इसीलिए हमको यहाँ 720 फिर दोबारा ऐड करना पड़ा। And the answer is 99720. Next question is, three bells tolls at intervals 9 minute, 12 minute, 15 minute. If they start tolling together, after what time will the next toll together? तीन bells हैं, इतने इतने मिनट पे वो एक साथ बजते हैं, वो बजना शुरू होते हैं। आप पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद फिर वो एक साथ बजेंगे, तो क्या करेंगे? Find the LCM of that numbers. इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो उतने ही मिनट्स बाद, दैट दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। फर्स्ट डिवाइडेड बाय 3 एंड नाउ दैट इज डिफरेंट नंबर, नॉट डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली एट लीस्ट 2, तो द एलसीएम इज 3 × 3 × 4 × 5, तो दैट इज 180, एंड दैट ऑल आर इन मिनट्स, that is 180 minutes, that is 3 hours. After 3 hours, that 3 bells are ring together, tolled together. Next question is, 3 boys step up together from the same place. If their steps measure 36, 48, 54 centimeter, in what distance from the starting point will they again step together? So first we find that LCM. हम LCM find out करेंगे, जो answer आएगा यार ये सब सेंटीमीटर में, तो उतने सेंटीमीटर के बाद ये एक साथ इनका स्टेप आएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, तो जो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 एंड द रेस्ट नंबर सर विच इज अनडिवाइडेड, दैट आफ्टर 432 सेंटीमीटर दे अगेन स्टेप टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स चेंजेस 48, 72 and 108 सेकेंड। इफ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है एक साथ 8 बजे एक साथ ये जो है चेंज होते हैं, तो अगला इनका जो चेंजिंग टाइम होगा कब होगा? सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, और जितना आएगा तो 8 बज रहा है, ये सब सेकेंड में है, तो इसको हम मिनट में आवर में कन्वर्ट करते हुए ऐड कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो फर्स्ट वी फाइंड दैट एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स, डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो एलसीएम इज डिवाइजर्स नंबर्स 2 3 times 3 2 times एंड द रेस्ट नंबर्स दैट इज 1 2 × 3 एंड द मल्टीप्लाइड द आंसर इज 432, तो दैट इज सेकेंड्स एंड कन्वर्टेड इंटू मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, तो 67 जब 427 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, तो दैट इज यदि 8 बजे स्टार्ट होते हैं एक साथ, तो नेक्स्ट टाइम इज 7, तो 8 7 minute 12, दैट इज 8 hours 7 minute 12 seconds इज द आंसर, दैट इज नॉट 8 hours, दैट इज 8 AM, 8.7 AM 12 seconds, 8:07 और 12 सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द
3 measuring rods 45, 15, 75, length in centimeter. What is the length in meters? Meters में पूछा जा रहा है. Rope can be measured by the full length of each of these three rods. सबसे पहले हम LCM निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा. फिर इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कर लेंगे. तो फर्स्ट वी फाइंड दैट LCM. स्टार्ट डिवाइडेड बाय विच नंबर? किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं. 5, 5 नाइन जा 5 टेन जा अगेन डिवाइडेड बाय 5. अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो LCM जो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 9 × 2 × 5. ये जो भी आएगा हमारा आंसर ये सेंटीमीटर में होगा और बाय डिवाइडेड बाय 100 दैट कन्वर्टेड इंटू मीटर. तो द आंसर इज दैट मीटर्स. तो दैट इज 2250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 22.50 मीटर. तो सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा, 22.50 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बेल्स डिवाइस बीप एवरी 15 मिनट्स, अनदर डिवाइस बीप 20 मिनट्स. दे बीप टुगेदर एट 6 AM, व्हाट विल बी द नेक्स्ट बीप टुगेदर. सबसे पहले LCM फाइंड आउट करेंगे. 6 बजे स्टार्ट हो रहा है बीपिंग होना, उसमें ऐड कर देंगे तो 6 बजे के बाद कितने टाइम बाद बीप होंगे. फर्स्ट वी स्टार्ट डिवाइडेड बाई 5 × 3 = 15, 5 × 4 = नाउ दैट इज नॉट डिवाइडेड बाई एटलीस्ट टू नंबर्स. तो द LCM इज 5 × 3 × 4 एंड दैट इज 60 और दैट इज मिनट्स. तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. तो यदि इसमें 1 आवर ऐड कर देंगे तो एट 7 AM दे बीप टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 सर्कमफेरेंस ऑफ 4 व्हील्स 50, 60, 70 and 100 सेंटीमीटर स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, एक साथ घूमते हैं. तो पूछा जा रहा है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ईच व्हील मेक्स ए कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. तो फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ दैट नंबर्स डिवाइडेड बाई यानी 2, 3, 4, 5. तो नाउ डिवाइड 5, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं. कम से कम दो नंबर एक साथ डिवाइड होने चाहिए. तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा जो LCM होगा इन सभी नंबर्स का वो कितना आएगा, 300 सेंटीमीटर्स. तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगा 300 सेंटीमीटर्स.